हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भास गुप्ता की एक और इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग जो है ऑटो एक्सपो में आए हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। पिछले सीरीज में आपने काफी सारी वीडियोस देखी हैं, तो इस सीरीज में जो है आज हम जिसमें जाने वाले हैं वह है सुजुकी, जिसका सबको इंतजार रहता है। तो सुजुकी ने कुछ खास क्या कर रखा है वहाँ, या पीछे हॉल नंबर 9 में पता लगेगा, तो वहीं चल रहे हैं। वहाँ चल करके आपको दिखाता हूँ सुजुकी ने कौन कौन सी कार जो है लॉन्च कर रखी है उसके अंदर। यहाँ पे हम लोग आए हैं सुजुकी में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बलिनो मारुति की, उसी को डिस्प्ले में लगा रखा है कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ में। ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसका देखोगे ना, ये गोल्डन कलर का इसका एक टेक्सचर दे रखा है यहाँ पे, और कुछ लाइट्स वगैरह में यहाँ पे कुछ हल्के बहुत चेंजेस हैं, और बिल्कुल सेम वैसी की वैसी है, कोई इसमें वो नहीं है, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है बलिनो। और इसमें से यहाँ पे हम आ जाए तो यह है सियाज, जो कि इसके अंदर भी कुछ वैसी चेंजेस है, जैसे यहाँ पे इसके गोल्डन कलर कर दिया ना, थोड़ा सा कॉपर कलर के कलर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इधर की तरफ में यहाँ पे हम देखें सारे वही गोल्डन रिम्स वगैरह सारी कुछ लगा रखी हैं, और ज़्यादा कुछ वो नहीं है यार, सिर्फ गोल्डन एक प्लेटिंग का ही जो है ना यहाँ पे, ये प्लेटिंग के चेंजेस कर रखे हैं। इसके अलावा पूरी कार एकदम एग्जैक्ट सेम है, और पता नहीं एक्सपो में किस चीज से लगाया गया है, क्या सोच के लगाया, लेकिन ये है यहाँ पर, ठीक है भाई। ये देखो ये सियाज, सियाज के बाद यहाँ हम आ गए हैं, ये है फ्रॉन्क्स, और फ्रॉन्क्स की यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉन्क्स नाम की एक कार है यहाँ पे सुजुकी ने, जो कि नेक्सा शोरूम वाले इनके करेंगे। यार मैं इतना साइज पे हूँ और यहाँ मेरी कार ही काफ़ी मेरे से थोड़ी नीचे ही आ रही है। ये क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर के बाद में देखो पीछे से काफ़ी सुंदर लग रही है ये, और इस तरफ से मैं अगर थोड़ा सा आ जाऊँ तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से साइड लुक है इसकी। क्रॉसओवर ही है ये, और सुंदर तो लग रही है, खैर अंदर से भी आप देखोगे। इसके अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं ये है इसका कुछ इंटीरियर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखो कपड़े के फिनिश में यहाँ सारा कुछ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार यहाँ आ करके। इसका अगर मैं 1x में आपको दिखाऊँ बिल्कुल प्योर क्वालिटी में, यहाँ पे सारा इसका सिस्टम है इस तरीके से कुछ, और जैसे टिपिकल मारुति की सारी कार्स में आता है उसी तरीके से है। यहाँ देखो इसका स्टीयरिंग में वही माउंट्स है, वही कंट्रोल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। और इधर की तरफ में इसका ये टफ प्लास्टिक लगा रखा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँ थर्ड की आवाज़ जो साउंड है ना बहुत जानदार है। बाकी यहाँ पे देखो सॉफ्ट टच का इसके अंदर यूज़ नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे ये प्लास्टिक ग्लॉसी प्लास्टिक लगा रखा है, सब प्लास्टिक है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से इसको वेल डिज़ाइन कर रखा है। और ऊपर की तरफ में अगर देखें यार, तो ये डिस्प्ले भी आ रखी है यहाँ पर, जो कि आप आजकल काफ़ी कार्स में आ रही है, तो ये देखो काफ़ी सुंदर है यहाँ पे। और इसके अंदर कोई सनरूफ नहीं है, बाकी सब ठीक है और बैठने में ठीक ठाक है भाई। थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी में काम करना पड़ेगा, क्रॉस ओवर है लेकिन काफ़ी अच्छी है भाई। इधर की तरफ से यहाँ पे देखूँ, आगे की तरफ से दिखाऊँ, ये यार ग्रैंड विटारा ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ग्रैंड विटारा से काफ़ी सुंदर लगती है कार, और फ्रॉनेक्स के नाम से आ रही है ये, और मेरे को ग्रैंड विटारा के अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा अच्छी लगी कार। भाई ये है मारुति की जिमी, जो कि थार से थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पे देखो लुक्स भी ऐसे ही हैं इसके, और इसके जो फ्रंट है वो मेरे को एस्प्रेसो से मिला हुआ लग रहा है, पीछे वाली की तरफ जो थार की तरफ थोड़े से रिलेटेड लग रहा है, और इसके जो डोर्स हैं सारे वो डोर्स हैं सारे के सारे काफ़ी मेरे को जो AMG की कार्स आती हैं सारी की सारी वैसे मिलती लग रही है। पीछे से काफ़ी जानदार लग रही है, काफ़ी जानदार है, काफ़ी शानदार है, और पता नहीं किस बजट में आएगी ये, लेकिन अब शायद जल्दी ही लॉन्च होगी। बाकी मस्त कार है, देखो एक बार इसके सारे लुक्स। यहाँ पीछे भी एक सुजुकी की कंसेप्ट कार है, ये वाली कंसेप्ट कार है इनकी, जो कि मुझे नहीं पता कब वो लॉन्च होगी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ आपको दिखाते हैं फ्रॉनेक्स का यहाँ पे फिर से लगा हुआ है, वही जो मैंने आपको अंदर से दिखाई वो यहाँ डिस्प्ले में लगी हुई है। इनकी सारी नई कारें हैं, और जो ये फ्रॉनेक्स है ना इनकी ये वाली कार, और यहाँ पे ये जो पीछे इसका ये जिमी है, ये सब दो कारें हैं यहाँ पे जो बिल्कुल न्यू रिलीज में है यहाँ पे तैयार, और जो कि जल्दी इंडियन मार्केट्स में आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली कार आप पीछे देख रहे हो ना, ये वाली,
ये कार जो है कंसेप्ट कार है इनकी, और ये कंसेप्ट कार को रियलिटी में चेंज होने में शायद काफ़ी टाइम लगेगा। ये सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा ज़रूर रखी है, लेकिन ये जल्दी आने वाली नहीं है अभी, और पता नहीं कब आएगी भी आएगी भी। तो बाकी ये कार आप देख सकते हो, ये फ्रोनेक्स काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, ये क्रॉसओवर है बट काफ़ी अच्छे है। मैंने इसके अंदर बिल्कुल पैर नहीं हटके, मैंने इसमें बैठ करके देखा है सामने से, और काफ़ी सुंदर है ये कार। यहाँ पे देखोगे ना मारुति की, यहाँ पे जो है ब्रेजा जो कि आती है इस समय, यहाँ पे शोरूम से पहले से ही आ रही है मारुति की ब्रेजा पेट्रोल में, वो यहाँ की यहाँ लगी हुई है उसी तरीके से डिस्प्ले के अंदर, और इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ना फेसलिफ्ट है ना कुछ है, ये बस डिस्प्ले में लगा रखी है एज अ मारुति की कार होने के नाते। और यहाँ पे हम आगे चलते हैं दूसरी तरफ में, यहाँ पे ये है अर्टिगा मारुति की, जो कि एकदम एग्जैक्ट सेम है, इसके अंदर सारा डायमेंशन इसके वही है, सेम ही कार है, कोई फेसलिफ्ट नहीं है इसका, और यहाँ पे इसके सारे के सारे आगे से कैसे जो इसके डायमेंशन हैं और सारी जो इसके टेक्स्ट लिखे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मिल जाएंगे आपको, बाकी सेम ही चीज़ है पूरी की पूरी, आगे से पीछे से ऑलरेडी सारे कुछ सेम सेम है। आप देखोगे ना, ये है सुजुकी की कुछ बाइक्स, यहाँ पे ये है सुजुकी की सबसे फेवरेट हायाबुसा, और जो लोगों को बहुत पसंद आती है, और लोग आज भी यहाँ पे अपना देख रहे हैं सब लोग, और वहाँ पे भी है SX की 250 जो वहाँ पे लगी हुई है, ये सारी इसमें डिस्प्ले में है। भाई ये देखो, ये है सुजुकी की हायाबुसा, हमारे इंडिया में सभी लॉन्डो की फेवरेट बाइक है ये, और ये भी बाइक है यहाँ पे जो कि यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, ये अभी भी इंडिया में आती है ये सब, तो इसकी फेसलिफ्ट जो भी है निकली होंगी, ये सारी वो करंट मॉडल्स ही चल रहे हैं, ये वही है। यहाँ देखो स्विफ्ट लगा रखी है यहाँ पे, और स्विफ्ट में कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे करोल बाग वाली करवा रखी है यहाँ पे, और इसके अंदर सारी जितने भी टेपिंग वाला काम होता है ना वो सारा का सारा यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ जैसे ऊपर स्विफ्ट लिख दिया गया है, और इधर के नीचे के थोड़े से डायनेमिक डिज़ाइन थोड़े से बदल दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिर्फ स्टिकरिंग का काम हुआ हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है ये। चलते हैं दूसरी कार की तरफ, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर की तरफ में यहाँ पे लगे हुए हैं फ्लेक्स फ्यूल वाली जो वैगनार मैंने आपको बताई थी है, वो लगी हुई है, और यहाँ पे ये लगी हुई है ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा तो यार वैसी है, मैंने कहा था ना इसकी थोड़ी जो ग्रिल है ना ये अनोइंग लगती है मेरे को, बाकी ये सारी सही है। जो फ्रोनेक्स जो करके कार आ रही है ना वो ज़्यादा भी बढ़िया है, और इसके अकॉर्डिंग मेरे को काफ़ी सही लगी वो। भाई यहाँ पे कार देखो, ये भी ब्रेजा लगी हुई है, ये थोड़ा इसका कलर जो है मैट है, ठीक है ये कलर ही मैट है इसका, और इस तरीके से लगा रखा है तो बढ़िया लग रही है ये ब्लू में, ये है ब्रेजा। तो सारी ऑलमोस्ट सारी कार्स यहाँ पे जो है कवर कर दिया मैंने, और यही है सुजुकी में ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे जो फ्रोनेक्स कार है वो आई हुई है, और आगे वहाँ पे जिमी को इन्होंने नया यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और तो दोस्तों इधर शोर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो भी कार्स मैंने मारुति की तरफ से आपको दिखानी थी वो दिखा दी मैंने, यहाँ पे मारुति की सिर्फ एक जिमी और जो फ्रोनेक्स करके कार है वो यहाँ पे दो कार लॉन्च हुई है, और एक कंसेप्ट कार दिखाई गई है, तो सिर्फ इन दो कार्स के अलावा बाकी सारी वही पुरानी कार्स है अपनी, वैगनर अर्टिगा ग्रैंड विटारा वगैरह टाइप्स, ये सारी कार है। तो ये कुछ कार्स थी जो यहाँ पे लगी हुई है मारुति ने यहाँ पे शोकेस कर रखी है। अगर आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज लेके आता रहूँगा। मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्ण।